नमस्कार, मेरे साथ ये है भाऊ साहब जो 27 साल से भारत की साइकिल में यात्रा करते हैं और सोशल मैसेज देते हैं। महाराष्ट्र की है, आज गुजरात रिफाइनरी में आए हुए हैं, तो इनको हमारी जो मैसेज देना है वो आपको ये मैसेज देंगे। मैं भाऊ साहब, मेरा जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन जन्म कहीं पर भी हुआ हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं और यही तो हमें एक सूत्र में बांधता है। पूरे देश में मैं पिछले 27 साल से भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत कठिन समस्या आती है, लेकिन फिर भी मेरा ये सफ़र पिछले 27 साल पहले शुरू तो हुआ है, लेकिन ख़त्म कब होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। आज पूरा देश, आप सब मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है, और हमारे समाज के बीच में दहेज प्रथा के उपलक्ष्य में मैं पूरा संदेश देता हूँ कि क्यों है हमारे समाज के बीच में इस प्रथा। ये प्रथा को हमको एक नकारने के बजाय हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं, तो मैं यही संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ। इस प्रथा से दूर रहे, अगर कन्या है, लड़की है, तो उसको एजुकेट कराइए, और यहाँ से दहेज प्रथा तो समाप्त होगी। लेकिन मैं आपको हमारे माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर दहेज जो लेन देन करते हैं, हमारे दरवाजे पर जो आते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको तो जूता चप्पल मार के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तभी दहेज प्रथा समाप्त होगी। अगर कोई दहेज लड़की वाले तो देना चाहते हैं, बहन बेटी वाले अपने कुछ भी दे सकते हैं और देना भी चाहिए। वो क्या है, मैं मानता हूँ हमारे पूर्वज लोगों ने ये शुरुआत की थी कि भाई देना चाहिए कुछ, क्योंकि नया घर बसता है ना, तो मैं भी समर्थन करता हूँ कुछ ना कुछ देना चाहिए, थाली चम्मच ऐसा। लेकिन जो डिमांड करते हैं उसके खिलाफ हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि दहेज वाली शादी में तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। किस नालायक की शादी में जो दहेज लेता है वो सबसे बड़ा भिखारी है इस धरती के ऊपर, उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं समझता हूँ मैं। और ये कहाँ है प्रथा, अपने एजुकेटेड समाज में। स्वच्छता के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, देखिए स्वच्छता के बारे में भी आगे आइए, क्योंकि हमारे देश में स्वच्छता के बारे में जो मिशन चल रहा है, जैसा तेल बचाओ ईंधन बचाओ हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सक्षम वगैरह, ये सक्षम का मेरा है, ये सक्षम वगैरह, देखिए ये सब प्रोग्राम करते हैं। मैं आपको विनंती करता हूँ, क्योंकि ये फोटोग्राफी करना और हमारी ऑयल पीएसयू सेक्टर में ये सब होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन क्या अपने आप को, मैं सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले अपने आप को पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑफिस से, अगर घर से ऑफिस तक अगर आप साइकिल से नियमित जाएंगे ना, तो आप अंदाज़ा लगाइए आपका तेल का खर्च बचेगा, सबसे पहले तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो परिवार और देश अच्छा रहेगा। तो आप शुरुआत साइकिल से कीजिए, जैसे देखिए अभी राउत साहब भी साइकिल से आज जाते आते अभी साइकिल से मिलने के लिए मुझे आए हैं, देखिए आप भी अपनाइए, इस गाड़ी को थोड़ा फैसिलिटी को है ना त्याग कीजिए, और करना ही चाहिए, तभी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। रुपया पैसे की कमी नहीं है, देखिए बहुत सारा पैसा मिलेगा भी और सरकार देगी भी, लेकिन इसके साथ है ना आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यही संदेश मेरा आपके लिए है। भाऊ साहब के साथ रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर हम लोग साइकिल में चल रहे हैं, भाऊ साहब से बातचीत हो रहा है, वो कैसे पूरा सारा देश घूमते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव, पूरा देश को अपने गले लगा के भाऊ साहब चल पड़ते हैं। तो अभी रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर वो जा रहे हैं, यहाँ से बाजुआ गांव जाएंगे और इधर से गांव से होते हुए वो सोमनाथ की तरफ जाएंगे। उनकी यात्रा सुखद रहे यही हमारी कामना है।